बिफोर वी बिगिन वंस अगेन अ फ्रेंडली रिमाइंडर, तुम कमेंट करोगे तभी तो मैं बेस्ट कमेंट फीचर करूंगा अगले वीडियो में, समझे? तो राम और शाम देखिए? नहीं देखी। तो फिर आज देख लेना। Welcome back to yet another movie based on the Judwa concept of Angoor, based on Do Duni Char, based on Bharanti Bilas, based on Bharanti Bilas ki kitab, based on the comedy of errors aur lage haath pure timeline mein side product ki taraf phailate hue Ram aur Shyam, Sita aur Geeta, Judwa, Judwa 2, Aankhein wagaira wagaira aur in sab ke baad bhi bas Rohit Shetty hi himmat kar sakte hain ki dobara wahi concept utha ke film bana de. Dimag chalane ka shayad mood nahi tha. Aisa nahi, aur ek hum waqt se अरे फिर से वही बात, मैं समझाता हूँ, रुको। ऐसा है कि भैया कहानी शुरू होती है इंस्पेक्टर डांडे से, जो कि बैंगलोर के किसी यूनिवर्सिटी में आके सरोगेसी प्रमोट कर रहे हैं। अब जिन अनपढ़ों को नहीं पता सरोगेसी क्या होता है, here you go. इस प्रोसेस में डोनर एक आदमी होगा, रिसीवर दूसरी औरत, और कोख में पालने वाली माँ कोई और होगी। क्या ये सच में मुमकिन होगा? है, बिल्कुल मुमकिन है भाई। जब रोहित शेट्टी गोलमाल, संडे और ऑल द बेस्ट जैसी फिल्म्स के बाद सर्कस बना सकता है तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है भाई। गांधारी, शट अप यार। खैर, तो सरोगेसी का प्रोसेस सुन के एक और अनपढ़ डॉक्टर पूछा कि लेकिन सर उस बच्चे में तो उस तीसरी औरत का खून होगा ना, देन व्हाट अबाउट द ब्लड लाइन? नोनी, साले बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला? अबे बच्चा हो नहीं रहा है, थर्ड पार्टी सर्विस यूज करनी पड़ रही है, पहले लाइन तो लगने दे फिर ब्लड की बात कर लेना। बट ये सवाल सुन के हमारे डांडे साहब बोले, इतिहास गवाह है कि अपना हो या पराया, जिसे मारनी है वो गांड मारेगा जरूर, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपका अपना खून परिवार की परंपरा का पालन करेगा या फिर उसे समाज में एक अच्छा इंसान बनाएगा। ओहो, ये अलग बचता है भाई। चचा, वो ठीक है, बट लोग ब्लड लाइन पूछ रहे हैं, आप सेंटी हो रहे हो, पूछ रहे हैं क्या, जवाब दे रहे क्या? मूविंग ऑन, तो ये है डॉक्टर रॉय जो कि अनाथ है, है? मैं और जॉय हमारे बैच के सबसे अनलक्की बच्चे थे, कभी अडॉप्ट ही नहीं हुए। हाँ, तो भाई तुझसे पूछेंगे ABC, तू जवाब देगा 1 2 3, तो क्यों करेगा तेरे को कोई अडॉप्ट है? बात करता है। और एक मिनट साले, तू अनाथ है तो सरोगेसी क्यों प्रमोट कर रहा है? अडॉप्शन प्रमोट करना, क्या चूतिया जैसी बातें करता भाई? माई थियोरी हेंस प्रूव्ड ब्रो। अच्छा भाई, ये बंदा बुलेट चलाता है और ये पीछे लाल गाड़ी है ना, ये भी इन्हीं में से किसी की होगी, लेकिन आज तक इसी आश्रम में पड़े हुए हैं। वैसे छोड़ता तो मैं भी नहीं अगर ऐसी हवेली जैसा आश्रम मिलता तो। उससे याद आया, परसों खबर मिली कि मार्केट में एक नई ऐप आई है स्पोर्टिगो नाम की। इसमें ऐसा है कि तुम कर सकते हो ट्रेडिंग फैंटेसी प्लेयर्स के स्टॉक्स की, मतलब जैसे तुम स्टॉक मार्केट में कंपनियों के स्टॉक्स खरीदते हो ना, वैसे यहाँ खरीदने हैं फैंटेसी प्लेयर्स के स्टॉक्स, और डिपेंडिंग ऑन दिस प्लेयर्स परफॉर्मेंस इन द रियल लाइफ गेम्स, रियल लाइफ मैच, इन द करंट टूर्नामेंट दैट्स गोइंग ऑन, फॉर एग्जांपल IPL 2023, इन प्लेयर्स के फैंटेसी स्टॉक प्राइसेस या फिर प्लेयर्स के पॉइंट्स ऊपर या नीचे होंगे, और उन पॉइंट्स को देख के तुम्हें बस वो स्टॉक्स या तो खरीदने हैं या बेचने हैं, और बस इतना करके तुम कमा सकते हो अच्छे खासे पैसे। बट बिफोर गोइंग अहेड विद इट, मेक श्योर कि तुम स्पोर्टिगो पे ट्रेडिंग एग्जैक्टली कैसे करनी है वो समझ लो बाय विजिटिंग द लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन, क्योंकि वहां पे उन्होंने अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ऐप इज कि यहाँ पे तुम फ्रैक्शनल अमाउंट जैसे कि 10 रुपीज से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो, बोले तो लो रिस्क बट चांसेस ऑफ हाई रिटर्न। सो ये वीडियो पूरी देखो और जाके डाउनलोड करो स्पोर्टिगो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। मेरा कूपन कोड play50 यूज करोगे तो एडिशनल 50 रुपीज वेलकम बोनस भी मिल जाएगा, सो गो फॉर इट। तो डॉक्टर रॉय का दोस्त जॉय बताता है कि इनके ऑर्फनेज के 4 बच्चे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को अडॉप्ट करने के लिए 2 फैमिलीज रेडी है, लेकिन ये डॉक्टर जरूरत से ज्यादा तेज है। रामखोर बोला, तो इसने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को A1B1 और A2B2 का डाला। व्हाई यू मे आस्क? क्योंकि ये चचा ये साबित करना चाहते हैं कि व्हाट मैटर्स इज परवरिश, नॉट ब्लड, नॉट खून। और प्लानिंग देखो आदमी की, और जैसे ही वो लोग 28-30 साल के होंगे मैं उन्हें सब सच बता दूंगा। अबे यार, बड़ा ही गांडू आदमी भाई, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए तुम बच्चे बदल दोगे? अब कोई सुहाग रात की रात तुम्हारी पत्नी बदल दे तो कैसा लगेगा तुमको? बट यह सही सही बात है, जो आदमी अनअडॉप्टेड अनाथ होके सरोगेसी का इन्वेंशन कर दे उससे क्या ही उम्मीद रखोगे तुम? गांधारी, शट अप यार। इस बार डायरेक्टर को गाड़ियां नहीं मिली ना, तो बच्चों के साथ स्टंट हो रहे हैं। एनीवे, तो हो जाते हैं ये दोनों पेयर्स अडॉप्ट और इनके माँ बाप को कुछ पता नहीं चलता। A1B1 को अडॉप्ट करते हैं मिस्टर एंड मिसेस थंगाबली जो ऊटी में अपना सर्कस चलाते हैं, A2B2 को अडॉप्ट करते हैं बैंगलोर के इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर एंड मिसेस शिरोय, और दोनों ने अपने बच्चों के नाम इस गांड के अंधे डॉक्टर और उसके गांड के अंधे
अंधे दोस्त के नाम पे रख दिया। हम दोनों को माँ बाप बनने की खुशी आप दोनों की वजह से मिली है, इसीलिए इन दोनों के नाम रॉय और जॉय। रॉय और जॉय। इसकी माँ का सरोगेसी देखे कहीं ऐसे माँ बाप नहीं ना, आज देख लो। क्योंकि 7 साल तक ये सिलसिला चलता रहा, डॉक्टर डांडे रॉयस एंड जॉयस के पीछे पीछे अपनी मराता रहा। ट्विंस होके ये इतने अलग क्यों दिख रहे हैं ये किसी ने नहीं सोचा, मगर एक दिन सर्कस वाले रॉय ने अपने भाई जॉय को बचाने के चक्कर में बिजली की नंगी तार पकड़ ली। लेकिन एनानू फर्क ही नहीं पैंदा क्योंकि सारी बिजली तो यहाँ एब्जॉर्ब हो रही है। एंड गेस वॉट भाई, ना ना ऐसी थ्योरी यूज तो कर लेते हैं लोग, लेकिन जब एक्सप्लेन करने बोले तो कहते हैं कुदरत का करिश्मा और क्या। उठा के बाल्टी मारेगा, थोड़ा पानी नहीं मांगेगा। एनीवे, तो ये शॉकिंग सीन देख के सर्कस वाले रॉय जॉय के माँ बाप हो जाते हैं आर आई पी इन पीस, और ये दोनों फिर से हो गए अनाथ। बताओ ये तो वही बात होगी, सांप सीढ़ी खेलो 99 तक पहुंचो और पिछवाड़े पे सबसे बड़ा वाला एनाकोंडा पप्पी दे दे। सैड, वेरी सैड। बट बाप की चिता ठंडी होने से पहले रॉय खुद को सर्कस का मालिक करार करके शो स्टॉपर बन के बन गया इलेक्ट्रिक मैन। एक बिजली की तार उठाने के लिए रॉय फुल ऑन बाइसेप्स ट्राइसेप्स दिखा के एंट्री लेता है, बताओ। Don't make me come down there, you punk. और दूसरी तरफ बैंगलोर वाले रॉय की तो माई चौक चौक के रह गई है। अरे पागल है क्या, मुझे शौक नहीं चाहिए। इट्स ओके एनी, हर बार थोड़ा ना झटका मारते। अब बैंगलोर वाले रॉय की बात करें तो ये भाई अमीरों वाले शौक रखते हैं, कर्नल विक्रांत की हर नॉवल की फर्स्ट कॉपी खरीदते हैं और ऐसे क्राइम थ्रिलर पढ़ पढ़ के इसे पड़ गई है शक करने की आदत। मगर ये कर्नल विक्रांत है कौन? सर्कस वाले रॉय की बीवी माला। फेलियर से इस बंदी की ऐसी फटी की इसने फेक नेम से नॉवल छापने शुरू कर दिए, लेकिन जब नॉवल सही वैसे छापने लगे तो सोचा यही नाम रहने देते हैं, जैसे कैरी मिनाटी, ट्रिगर्ड इंसान एंड योर स्टोरी योगी बाबा। नेवर माइंड। तो ये जो माला है इसके कर्नल विक्रांत होने ना होने से मूवी में घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। फ्री बैठे थे तो जबरदस्ती का कनेक्शन दिखा दिया। पॉइंट है तो बस इसका कि ये माँ नहीं बन सकती, सो बच्चा अडॉप्ट करना चाहती है। मगर हमारे इलेक्ट्रिक मैन की वही बकचोदी कि अपना खून अपना होता है, किसी अनाथ बच्चे के ऊपर सर्कस की जिम्मेदारी कैसे छोड़ेंगे। नोनी, साले बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला। I'm an ass man. अबे तो सर्कस कोई और चला लेगा भाई, जरूरी है तेरे बच्चा चलाए? इसका भाई भी तो है, इसकी शादी नहीं कराओगे क्या, या ये बस बैठ के चुंचा करने के लिए रखा है इसको है? खैर तो अब बीवी इतनी सुंदर हो तो इंसान पलंग पे मलंग होने के लिए झूठे वादे कर ही देता है। तो हम एनिवर्सरी वाले दिन जमुना दास ऑर्फनेज जाएंगे। नॉनसेंस, हजार कुत्ते मरे होंगे तब जाके तू पैदा हुआ होगा। सो नाउ इन बैंगलोर एंटर्स बिंदु जो कि बैंगलोर वाले रॉय की बंदी है। देखो देखो कितनी गलत बात है, जॉय को एक बंदी नहीं दी गई इनसे और रॉय को दो दो, गजब बेइज्जती है। कोई नहीं भाई, चूजे इस फिल्म में ना सही फुकरे में तो जरा सेट है। फिर एक सर्कस के सेशन के बाद मिलते हैं बिंदु के TEUHER फादर, जो एक खूबसूरत बेटी के पिताजी होने के नाते उसके आशिक का पीछा करते रहते हैं। तो बिंदु बताती है कि वो रॉय से करती है, मगर बिंदु के बाप ने रॉय को ऊटी में किसी और लौंडिया के साथ गुल्लू गुल्लू करते देखा था। तो पिताजी के मन में है बस एक ही सवाल, मगर फिर भी बेटी के लिए बाप समधन मिलन के लिए मान जाता है। तो समधन जी को बिंदु पसंद आ गई, मगर उनकी है एक शर्त। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप बारातियों का स्वागत पान पराग से कीजिए। तो रॉय बोला ठीक है, तो मैं पान का भाग खरीदने ऊटी जाता हूँ। और ऊटी के नाम पे बिंदु के बाप का शेयर लॉक अनलॉक हो गया, तो वो अपने मैनेजर को रॉय जॉय के पीछे छोड़ देते हैं। डिटेक्टिव बनोगे, वाह। मीनवाइल बैंगलोर वाले रॉय की माँ डॉक्टर को कॉल करके लाइफ अपडेट्स देती है, तो वो भी पीछे पीछे ऊटी निकल लेते हैं क्योंकि डॉक्टर रॉय सिंस अपने पुराने सिंस के बारे में अभी खुलासा नहीं करना चाहते। एक मिनट, क्यों बे, शक्ल देखो इनकी है, अभी तक 30 साल के हुए नहीं क्या तेरे हिसाब से, हैं बेगा जो उधर है। और ये ढक्कन लोग अलग, बिना किसी बात के जबरदस्ती, जब कुछ दिक्कत है ही नहीं तो चले जाओ ना साथ में, बेकार में बकचोदी करके आदमी का शक बढ़ा रहे हैं। तो मैनेजर को चकमा दे के ट्रेन से निकल गए रॉय जॉय ऊटी जाने के लिए, और उसी ट्रेन में तीन चोर पुलिस से छुपते छुपाते संडास के आगे अपना प्लान चिल्ला चिल्ला के डिस्कस करने बैठ गए कि उन्हें अपने बॉस पोलसन दादा के बर्थडे के लिए 50,000 मारने हैं क्योंकि उनका माल पुलिस ने पकड़ लिया। और सारी बातें सुन रहा है संडास में बैठा रॉय। तो रॉय जल्दी जल्दी अपने केबिन में गया और देखा उसका भाई जॉय खुले 5 लाख कैश गिन रहा है। अबे
कॉमेडी फिल्म बनाने के लिए हर कैरेक्टर इतना चूतिया होना जरूरी है क्या है? इन्हें देख के हंसी कम चिढ़ ज्यादा मचती है भाई, क्योंकि पैसे दिख गए चोरों को भी। सच में चूचा भाई, आप चूचा ही हो। मुझे समझ नहीं आता यार, तू चीज क्या है, कभी भी कुछ भी कह देता है, कर देता है। रहने दो। तो किसी तरह वो चोर उनके केबिन में घुस के पैसे चुराने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी उसी वक्त सर्कस का गेम शुरू, और बस बिजली के झटके 5 लाख का झटका लगने से रॉय को बचा लेते हैं। तो ऐसी मशक्कतों के बाद ये लोग पहुंचे ऊटी, जहां पहुंचते ही वही सेम डिट्टो अंगूर वाली बकचोदी शुरू। कॉपी पेस्ट बेटा। कहां चलना है? क्यों बताया तुमको? इसे तो बताना ही पड़ेगा। बताओ कहाँ ले चलूं? आपको क्यों बताएं? बताएंगे नहीं तो ये लेके कैसे जाएंगे? इम्पीरियल होटल कहाँ है जानते हो? जानते हैं साहब। हाँ तो पहले वहाँ ले चलो, हम वहाँ ठहरने वाले नहीं है। भाई साहब आपको सेंचुरी होटल मालूम है? हाँ मालूम है बाबू, बस वहीं ले चलिए। हम वहाँ जा रहे हैं पर वहाँ रुकेंगे नहीं। मेरे ख्याल से ये किसी गैंग से मिला हुआ है। मुझे लगता है ये सारे मिले हुए हैं और किसी बड़ी गैंग के साथ जुड़े हुए हैं। Why? What? How? डरते थोड़ी हम लोग। And this is because thanks to Colonel Vikrant की नॉवल, रॉय को लगता है कि ओटी में कोई गैंग इनके पीछे पड़ी है। भाई फिल्म की कहानी भी कर्नल विक्रांत से लिखवानी थी ना फिर, क्योंकि इससे अच्छी कहानी तो रॉय अपने दिमाग में बना ले रहा है। एनीवे तो ये लोग टैक्सी लेते हैं और होटल के लिए निकलते हैं, और इस टैक्सी ड्राइवर को पूरे शहर की गली गली चप्पा चप्पा पता है, मगर ऊटी में एक इतना बड़ा सर्कस है, एक इलेक्ट्रिक मैन है, ऐसा अद्भुत चमत्कार करता है, वो इसको नहीं पता। वाह वाह बेटे वाह, मौज कर दी। तो ये लोग होटल पहुंचते हैं जहां का मालिक है सरप्राइज सरप्राइज वसूली भाई। अरे शेट्टी साहब, ये गोलमाल वाली कास्ट उठा के उन्हें छोटे मोटे रोल पकड़ा के कुछ नहीं होगा, सर्कस सर्कस ही रहेगी, गोलमाल नहीं बन पाएगी। लेकिन तू कर भी क्या सकता है? सही बात है। ऑल्सो हराम ज्यादा डॉक्टर। तो दूसरी तरफ सर्कस वाले रॉय और उसकी बीवी के बीच हो गई नोकझोंक, क्योंकि रॉय ने पलंग पे मलंग होने के लालच में जो झूठा वादा किया था वो खुशी खुशी तोड़ दिया। तो अब क्या करें? औरत को खुश करने के मटेरियलिस्टिक तरीके, मुंह पे एक नेकलेस फेंक के मारो और औरत खुश। रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या? कुछ साल बाद बताता हूँ, ठीक है? बट आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बंदी है कौन। वैसे तो ये रॉय की असिस्टेंट का रोल प्ले कर रही है, मगर असली पर्पस तो इन्फ्लुएंसर को उठा के उनकी ऑडियंस दबोचने का था। बॉलीवुड का लेटेस्ट ट्रेंड है ब्रो, ये लंबा चलेगा। लेकिन तू कर भी क्या सकता है? मूविंग ऑन। तो बिंदु का बंदा पान के बाग खरीद रहा होता है कि फिर से वही सेम ओल्ड अंगूर वाली बकचोदी, तो अब इसकी फटी और ये वहां से कट लिया। ऑल्सो हराम ज्यादा डॉक्टर। दूसरी तरफ माला का मरद उसके लिए हीरो का हार लेने जौहरी के पास गया, मगर हार अभी रेडी न थी, तो जॉय चला गया बैंक। तो अब जॉय को रास्ते पे देख के ये तीन चोर और ये बिंदु के बाप का मैनेजर लग गए इसके पीछे, और इन्होंने पता लगाया घर का एड्रेस, और इसने सुन ली इनकी बातें, और बातें भी ऐसी की भाभी जान अरे मटेरियलिस्टिक बनिए, अभी बच्चा बच्चा छोड़िए, मस्त हीरो का हार पहनिए और गुस्सा थूक दीजिए। मैं तो कहता हूँ स्पिट ऑन मी मॉमी। देखो देवर हो तो ऐसा हो जो भाभी को माँ समझे, दैट्स द पॉइंट। ठीक है ठीक है। सो नाउ इट इज टाइम फॉर डिनर। तो ये चारों जाते हैं मद्रास कैफे। अबे ये नहीं मेरे भाई, क्या कर रहे हैं ये, जहां दीपिका पादुकोण का आइटम नंबर होने वाला है। ए बजा रे तो फुल ऑन अधनंगा नाच करने के बाद सर्कस वाले रॉय जॉय वहां से निकले और बैंगलोर वाले रॉय जॉय घुसे, जहां इन्हें मिलनी थी रोटियां, मगर मिलती हैं धमकियां और रेपटे। एंड माला का हवलदार भाई गलत रॉय को अपना जीजू समझ के जोर जबरदस्ती से उन्हें माला के घर ले गया। तो घर पहुंचते ही माला गलत हबी को बिस्तर पे गिरा गिरा के अपनी सालगिरह मनाने की कोशिश करती है, बट रॉय बचाता है अपनी इज्जत और कमरे से बाहर आया तो देखा फोटो। ये मैं नहीं हूँ। ये तू है। नहीं ये मैं हूँ, लेकिन मैं ये नहीं हूँ। लो जी कर लो बात। इट्स लाइक ये शेट्टी यूनिवर्स में बहुत ही आम बात है। मतलब क्या ही हुआ अगर एक अनजान शहर में, एक अनजान घर में, एक अनजान बट हॉट लड़की तुम्हें अपना पति मान रही है, उसके घर में तुम्हारी उसके साथ फोटो है, आधा शहर तुम्हारा नाम काम और बिजली के झटकों से वाकिफ है, तुम्हारा भाई बीवी घर सबके बारे में किसी ना किसी को कुछ ना कुछ पता है। बट हू केयर्स, तुम पता लगाने की जगह भागना ज्यादा पसंद करोगे। What is this, Rohit bhai? What तरीका is this? हम वक्त से गुजर रहे हैं। अच्छा
ठीक है। तो तभी ये तीन मुस्केटियर्स आसमान से जमीन पे टपके, करा कॉमेडी की मौत का नंगा नाच और बुढ़िया की शूटिंग स्किल देख के सटके। सो फॉर सेफ्टी रीजंस बुढ़िया ने लगाया गेट पे ताला, जिसे देखा सर्कस रॉय ने और सोचा नहीं मिलेगी पुसी फ्रॉम माला को, तो उदास गांड लेके गए सर्कस बॉयज होटल की ओर। के तभी आए बिंदु के पिताजी स्ट्रेट फ्रॉम बैंगलोर, तो अंकल ने लगाया आरोप कि ये दे रहा है हमारी बिटिया को धोखा, तो रॉय ने चढ़िया गुस्सा और रैपट पेल के इसको रोका। मीनवाइल हरामजादा डॉक्टर, भाई ये ना, ये वो स्टार प्लस की कोमोलिका है जो सारा कांड करके बस दूर से घूरती है, निकालो इसको प्लॉट से। गांधारी शट अप यार, क्योंकि अगले दिन ये दोनों भाई छुप छुपा के यहाँ से भागे, तो बाहर मिले यूसुफ भाई। ये हीरो के हार वाले सुनार का आदमी है, तो इसने यहाँ सड़क पे खुले में इनको हार का डब्बा बिना थैली के पकड़ा दिया। बताओ एक रैंडम अंकल बाइक पे तुम्हारे गले से चेन खींचने की जगह तुमको एक डायमंड नेकलेस दे के जा रहे हैं, ओ बेटे। बट ठीक है, क्या हो गया, इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई, शेट्टी यूनिवर्स में ये तो रोज का है ब्रो। तो फ्री नेकलेस लेके जब ये होटल पहुंचे तो वसूली भाई ने किया बंदूक से इनका स्वागत। देख रहे हो पूरा का पूरा होटल पड़ा है चलाने को, मगर सब साले दूसरों के घर गृहस्थी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। साहब जी आप पागल होते जा रहे हो के? तो सिंस पिताजी को सर्कस रॉय ने जम के पेला था, तो इन्होंने बुलाया बिंदु को और कर डाला दूध का दूध और दही का दही। मीनवाइल इस तरफ ये सर्कस ब्रो सुनार से बहस करके पहुंचे सर्कस, जहां माला के जले पर नमक छिड़कने आया इनका एम्प्लॉय मिठाई खिलाने, क्योंकि उसे बेटी हुई है। तो माला हो गई सेंटी और बताया सर्कस रॉय को अपना डीपेस्ट डार्केस्ट फियर कि सर्कस रॉय ले आएगा दूसरी बीवी अगर माला नहीं हुई मिम्बा। तभी एंटर्स बिंदु, इसने चलाया अपना तेज दिमाग, बनाई अपनी थीसिस और माला के डीपेस्ट डार्केस्ट फियर को कर दिया हेंस प्रूव्ड कि रॉय बिंदु से शादी करके बच्चा करके माला को देना चाहता था। वैसे ये लॉजिक लगा के देखा जाए तो रॉय सरोगी से ही करना चाह रहा था, बस उसका प्रोसेस थोड़ा अलग था। I'm an ass man. वहीं दूसरी तरफ बैंगलोर जाने वाले बैंगलोर निकल रहे होते हैं कि फाइनली रास्ते में पड़ा सर्कस और इतना बड़ा नार्सिसिस्टिक पोस्टर देख के रॉय के टट्टे जाम। और कैसा भाई है, जॉय का तो छोटा सा फोटो तक नहीं लगाया, बताओ। एंड फाइनली पूरे दो घंटे बैकग्राउंड में कोमोलिका बनने के बाद आया हरामजादा डॉक्टर और बोला इसकी माँ का सरोगेसी, और सच सुनने के बाद सब ऐसे ठंडे क्यों पड़े भाई, किसी का खून क्यों नहीं खोल रहा, कोई कूटो इसको, अरे कम से कम एक थप्पड़ तो मारो। बट नहीं, मारेगा कोई नहीं, बस मन में बोलेंगे हजार कुत्ते मरे होंगे तब जाके तू पैदा हुआ होगा। ठीक है अब मैं क्या बोलूं, तो अब डॉक्टर की थीसिस हो गई हेंस प्रूव्ड समहाउ, माला ने कर लिया बच्चा अडॉप्ट और शेक्सपियर खत्म। और अब जब इतना हगी चुके हैं तो कंटिन्यूटी के नाम पे एक अच्छी फिल्म का इस्तेमाल कर ही लेते हैं, वरना कोई कैसे मानेगा कि ये फिल्म उसी ने बनाई जिसने गोलमाल बनाई थी। तो लास्ट में दिखा दी एंट्री 5 बच्चों की, बस रेफरेंस ही तो लगानी थी, सर पैर जोड़ने की आदत तो है नहीं किसी को यहाँ पे। नहीं मतलब बताओ कौन से गोलमाल के बच्चे हैं, है? गोलमाल 1 में तो बस एक ही लक्ष्मण था और सिर्फ गोपाल अनाथ था, गोलमाल रिटर्न्स में तो गोपाल की बहन थी और लकी की भी बहन थी, और गोलमाल 3 में तो इन सबको पता ही नहीं होता कि ये सारे के सारे अनाथ हैं। तो ये है गोलमाल अगेन की शुरुआत। ऐसा नहीं और एक हम वक्त से गुजर रहे हैं। ए, बस बस हाँ बस कुछ वक्त नहीं है, मेरे हिसाब से इस मूवी का नाम बिल्कुल सही है सर्कस विद के, क्योंकि कतई कुकुर चुप मूवी है ये, सही बता रहा हूँ। बट इफ यू थिंक इसका नाम कुछ और होना चाहिए था तो नीचे कमेंट्स में बताओ। And then again, don't forget to download Sportico. यहाँ पे तुम fantasy players के stocks पे trading कर सकते हो. Link मैंने दे रखी है description में. Link visit करो और समझो exactly कैसे करते हैं and go for it.